देखी होगी आप सभी ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि करीना कपूर के दूसरे बेटे का नाम आया सामने, राणा रणधीर कपूर ने बताया सच। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के पहले बच्चे के नाम को लेकर साल 2016 से 17 तक काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने तय किया था कि वो अपने पहले बच्चे का नाम तैमूर अली खान रखेंगे और यही बात लोगों को पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से काफी बवाल हुआ। करीना जो अब एक बार फिर से अपने दूसरे बेटे की मां बन चुकी है और ऐसे में सभी फैंस एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि आखिर करीना कपूर खान के दूसरे बेटे का नाम क्या होगा। बता दें कि यूं तो इंस्टा और ट्विटर पर फैंस कई नाम के सजेशंस करीना कपूर को दे रहे हैं और ऐसे में करीना के पिता रणधीर कपूर एक बार फिर से सामने आए हैं, जहां पर रणधीर कपूर से पूछा गया कि सैफ करीना के दूसरे बच्चे का नाम क्या होगा। तब रणधीर ने कहा कि अभी इसके लिए बहुत जल्दी है, हमने अभी तक करीना कपूर के दूसरे बेटे का नाम तय नहीं किया है। करीना कपूर खान के पिता रणधीर कपूर ने कहा कि हम इस वक्त काफ़ी खुश हैं और एक बार फिर से नाना बनने को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने करीना और उसके बच्चे से हॉस्पिटल में मुलाकात भी की है, दोनों काफ़ी अच्छे हैं और हेल्दी हैं। बता दें कि करीना कपूर खान के दूसरी बार मां बनने को लेकर सोशल मीडिया पर कई सेलिब्रिटीज़ करीना को बधाई दे रहे हैं। तो ये है पूरी खबर, जहां पर करीना कपूर के पिता रणधीर कपूर और करीना के दूसरे बेटे और तैमूर के नाना रणधीर कपूर ने बताया सच कि अभी तक बच्चे का नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द बच्चे का नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट मैन लाइफ से रजनी की रिपोर्ट।